कल अपन ने पढ़ा था संख्याओं का आरोही क्रम, अवरोही क्रम और संख्याओं का स्थानीयमान, ये चीजें पढ़ी थी। आज अपने को पढ़ना है व्यवहारिक प्रयोग में आने वाली राशियां। व्यवहारिक प्रयोग का मतलब ये होता है अपने दैनिक जीवन में वो चीजें कहाँ पर काम में आती है। जैसे अपन कहीं नोट गिनते हैं, कहीं कोई अपन फसल जैसे गेहूँ हुए इनको बेचने जाते हैं, तो यानी बहुत सारी चीज़ों का हिसाब करते हैं, उनमें अपने ये राशियाँ कहाँ कहाँ काम में आती है और उसको अपने को सीखना है। तो 100 का मान होता 10 दाहियों के बराबर। 100 का मान देगा 10 दाहियों के बराबर, ये लिखे मैंने 100। इसमें फर्स्ट वाले अंक को इकाई बोलते हैं, सेकंड वाले अंक को दाही बोलते हैं और थर्ड वाले अंक को सैकड़ा बोलते हैं। पर अपने को यहाँ पर ऐसे ना पढ़कर ये पढ़ना, 100 बराबर 10 दाहियों के बराबर मान होता है। तो जैसे ये 100 है, फर्स्ट वाला अंक इकाई है, तो इकाई वाले अंक को यहाँ पर अपन ऐसे लिख के देखते हैं तो ये जो दिख रहा है 10 दाहियों के बराबर है, यानी 100 की वैल्यू किसके बराबर होती है, 10 दाहियों के बराबर होती है। फिर आगे लिखा मैंने 1000। 1000 का मान होता है 100 के बराबर, यानी 10 अगर तुम 100 के नोट गिनो तो वो 1000 के बराबर होते हैं। उसके बाद 1 लाख। 1 लाख का मान होता है 100,000। 1 लाख की वैल्यू होती है 100,000 के बराबर, यानी 100,000 को गिनते हैं तो वो 1 लाख के बराबर होते हैं। फिर इसके बाद लिखा हुआ है 10 लाख। 10 लाख को ऊपर पढ़ सकते हैं 1 मिलियन, यानी 1 मिलियन का मान होता है 10 लाख के बराबर। फिर उसके बाद 1 करोड़। 1 करोड़ को अपन पढ़ सकते हैं 100 लाख, यानी 1 करोड़ की वैल्यू किसके बराबर होती है, 100 लाख के बराबर। एक बार वापस देखते हैं इनको। 100 का मान होता है 10 दहाइयों के बराबर और 1000 का मान होता है 100 के बराबर, यानी 10 अगर 100 को एक साथ जोड़ते हैं तो 1000 हो जाता है वो। उसके बाद 1 लाख। 1 लाख का मान होता है 100,000, यानी 100,000 को अगर काउंट एक साथ जोड़ते हैं अपन तो 1 लाख आता है। और 10 लाख, 10 लाख को अपन पढ़ सकते हैं 1 मिलियन और 1 करोड़, 1 करोड़ को पढ़ सकते हैं अपन 100 लाख। इसके बाद कुछ लंबाई की कुछ इकाइयां उनको पढ़ते हैं। लंबाई की फर्स्ट इकाई है 10 मिलीमीटर। मिलीमीटर को अपन लिखते हैं एमएम से। 10 मिलीमीटर का मान बराबर होता है 1 सेंटीमीटर के बराबर। 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को अपन प्रदर्शित करते हैं सीएम से। 10 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर का मान होता है 1 सेंटीमीटर के बराबर, और 10 मिलीमीटर को अपन प्रदर्शित करते हैं एमएम से और सेंटीमीटर को प्रदर्शित करते हैं सीएम से। 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर को अपन सीएम से दर्शाते हैं। तो 100 सेंटीमीटर की वैल्यू होती है 1 मीटर के बराबर, अगर 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होते हैं, और मीटर को अपन प्रदर्शित करते हैं एम से। इसके बाद 1000 मीटर, 1000 मीटर, 1000 मीटर को अपन लिख सकते हैं 1 किलोमीटर। 1000 मीटर जो लंबाई होती है उसको जोड़ा जाए तो 1 किलोमीटर के बराबर आती है, या किमी, किलोमीटर को अपन किमी भी लिखते हैं और इंग्लिश में के एम से दर्शाते हैं। ये जो इकाइयाँ दे रखी थी अपन ने लंबाई की इकाइयों को लिखा, पहले लिखा हमने 10 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर आपको एमएम से दर्शाते हैं और इसका मान होता है 1 सेंटीमीटर, यानी सीएम के बराबर, 1 सीएम बराबर। और 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर की वैल्यू होती है 1 मीटर के बराबर, और 1000 मीटर ये होता है 1 किलोमीटर के बराबर। अब अपने को अंकों का प्रयोग करके बनाई जाने वाली राशियां, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या ये पढ़ना है। अंकों का प्रयोग कर बनाने वाली संख्याएं, यानी अंकों का प्रयोग करके जो अपन को संख्याएं बनाते हैं उनके बारे में पढ़ना अपने को। तो पहले तो अपन कुछ संख्याएं जो स्टैंडर्ड सीधी याद रखनी उनको अपन पढ़ लेते हैं, जो कितनी बार एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, तो इन चीज़ों के बारे में अपन पढ़ लेते। सीधा 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार, तो कभी ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाता है या कभी लिखित में भी आ जाता है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए या सबसे छोटी बताइए। तो सबसे पहले देखते हैं अपन 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे
बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या देखने के लिए अपन क्या करेंगे, जीरो से लेकर अगर कोई नौ तक अंक होते हैं उनमें सबसे बड़ा अंक आता है नौ, यानी नौ को तीन बार लिखना है, नौ को तीन बार लिखते हैं तो तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन जाती है, और नौ को तीन बार लिखते हैं तो कौन सी संख्या बनती है, 999, तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या। फिर दूसरा लिखते हैं तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या, देखो दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होती है, 99 के बाद आते 100, 100 आते ही तीन अंक हो जाते हैं, तो तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 100, तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी 100, और तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी 999। ऐसे अपने चार अंकों की सबसे बड़ी, चार अंकों की सबसे छोटी, पांच अंकों की सबसे बड़ी और पांच अंकों की सबसे छोटी संख्या, ये लिखना है। तो थर्ड पे लिखते हैं चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या, चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है, नौ को चार बार लिखना है 999, और इसको अपन पढ़ेंगे 9999, चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है 9999। और फोर्थ नंबर पर लिखेंगे चार अंकों की सबसे छोटी संख्या, चार अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1000। देखो तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या आएगी 999, 999 से आगे चलते तो 1000 आता है, तो ये जो चार अंकों की संख्या होगी और चार अंकों की पहली संख्या 1000 होती तो ये सबसे छोटी संख्या चार अंकों की। फिर उसके बाद पांच अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या के लिए सबसे बड़े अंकों को काम में लेना है, नौ को काम में लेना है, और वो भी पांच बार लिखना है। तो इसको अपन पढ़ेंगे इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10000, 99999, पांच अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है 99999, और पांच अंकों की सबसे छोटी संख्या, पांच अंकों की सबसे छोटी संख्या, पांच अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 10000, पांच अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है 10000। ये जो संख्याएं लिए एक बार वापस स्टार्टिंग से देखते हैं, तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या, तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या दे रखी अपने को 100, उसके बाद चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये होती है 9999, चार अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000, फिर पांच अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99999, और पांच अंकों की सबसे छोटी संख्या 10000। अब कितने बार अपने पास अंक दिए होते हैं और इन अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या और इनका अंतर निकालना, जैसे कोई से भी अंक देते हैं अपने को और बोल दे इन अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या निकालो, सबसे छोटी संख्या निकालो और इनका अंतर निकालो, कितना डिफरेंस है इनके अंदर, जैसे क्वेश्चन देखते हैं अपन, उदाहरण नंबर एक, अंकों 7, 5, 8 व 3 का प्रयोग कर बनने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या याद कीजिए तथा इनका अंतर भी लिखिए। ये क्वेश्चन लिया अपन ने, अपने को अंक दे के 7, 5, 8 व 3 का प्रयोग कर,
बनने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या याद करनी है, और फिर इसके बाद जो संख्या निकालते हैं उनका अंतर भी निकालना है, यानी अंतर भी लिखिए। ये हल अंकों अपन ये लिखेंगे, अंकों 5, 7, 5, 7, 5, 8 व 3 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, इन अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या, यानी जो अंक सबसे बड़ा है उसको अपन पहले लिखेंगे। यहाँ 7, 5, 8 और 3 में सबसे बड़ा अंक है 8, उसके बाद जो बच रहे हैं उन अंकों में सबसे बड़ा अंक है 7, ये लिखिए 7, उसके बाद 5 और उसके बाद 3। इस संख्या को अपन पढ़ेंगे तो इकाई, दाई, सैकड़ा और हजार, 8753। अंकों 7, 5, 8 और 3 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या 8753। उसके बाद इसकी सबसे छोटी संख्या लिखनी है, तो अंकों 7, 5, 8 और 3 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या। ये जो अपने को अंक दे रखे हैं 8, 7, 5, 3, इनमें सबसे जो छोटा अंक है उसको पहले लिखेंगे। सबसे छोटा अंक है 3, 3 के बाद जो बच रहे हैं उनमें से सबसे छोटे अंक को लिखेंगे, फिर 5, फिर 7 और फिर 8। अब इस संख्या को पढ़ेंगे अपन, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 3578। 3578 ये सबसे छोटी संख्या। अब इसके बाद पूछा इनका अंतर भी लिखिए, तो ये लिखिए अपन अंतर। अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटानी है। 8753 माइनस 3578, इनमें से इसको घटा दे, देखो 8753 माइनस 3578, यहाँ पर 13 में से 8 जाएंगे तो 5, फिर यहाँ से लिखा जाएंगे तो वापिस 4, यहाँ से उधार लेंगे तो 14 में से 7 जाएंगे तो 7, ये हो गए 6 में से 5 जाएगा तो 1, और 8 में से 3 गए तो 5, यानी 5175। इनका जो अपन ने अंतर निकाला हुआ है 5175। एक बार वापस देख लेते इस संख्याओं को अपन ने कैसे काम लिया और कैसे ये अपन ने क्वेश्चन किया। 7, 5, 8 और 3 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या, इन बड़े अंकों को पहले लिखना है, तो बड़े अंकों को पहले लिखा तो 8, 7, 5 दें, तो ये बन गया 8753। उसके बाद 7, 5, 8, 3 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या 3578। फिर अंतर निकालना, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा लेते हैं। इसके बाद एक और चीज पढ़ते हैं अपन, संख्याओं का विस्तारित रूप। और एक चीज ये भी पढ़नी है, अगर अपने को कोई संख्या दी हुई हो तो उसमें कोमा का प्रयोग कहाँ होता है, तो पहले वो देख लेते हैं कोमा और अल्पविराम चिन्ह अपन कहाँ लगाते, इसमें कोमा का प्रयोग कहाँ करते संख्याओं के बीच में। जैसे मैं एक संख्या लिख रहा हूँ 3, 5, 7, 8, 6, ये संख्या लिखी मैंने, पहले तो अपने को पढ़ना आना चाहिए संख्या। फर्स्ट वाला अंक इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार और 10,000, यानी जो संख्या लिख रही है 35786 है। अब इसमें कोमा का प्रयोग क्या होता है, प्रथम जो कोमा लगाते हैं तो इस साइड से 3 अंकों को छोड़ के, यानी सैकड़े के बाद लगाते हैं, और उसके बाद जितनी भी संख्या पे अपन कोमा लगाते दो दो अंकों को छोड़ के लगाते हैं। तो यहाँ पर 2 अंक है, इसके आगे कोई अंक नहीं, कोमा नहीं लिखेगा, यहाँ आगे रुक जाएगा। एक और उदाहरण देखते हैं, 3, 8, 6, 5, 3, 6, 9, एक बार देख लेते हैं। स्टार्टिंग की जो कोमा लगती 3 अंकों को छोड़ कर, ये 3 अंकों की जोड़, उसके बाद वापिस 2 अंकों को छोड़ करके, तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10,000, 38,65,369 पड़ेंगे। तो अपने को कोमा का प्रयोग ऐसे करना है इसके अंदर। इसके बाद लास्ट एक और चीज पढ़नी है, विस्तारित रूप, संख्याओं का विस्तारित रूप कैसे लिखते हैं अपन, वो पढ़ लेते हैं। संख्याओं का विस्तारित रूप, संख्याओं का विस्तारित रूप, विस्तारित रूप, विस्तारित रूप का मतलब ये होता है कोई भी अगर संख्या अपने को दे रखी हो उसको खोल करके लिखना, वो उसका विस्तारित रूप कहलाता है। तो जैसे मैं एक संख्या लिखता हूँ यहाँ पर
3535 ये संख्या लिखी है 3535। अब इसमें फर्स्ट वाला अंक इधर से देखना अपने को, फर्स्ट वाला अंक कितना आ रहा, तीन। तीन को अपन ने क्या पढ़ा था, 3000, यानी इसको गुणा करना 1000 से, फिर वापस प्लस का निशान लगाना। पहला वाला अंक लिखा मैंने 3 और 3000 पढ़ते हैं अपन इसको, तो इसको 1000 से गुणा करना। फिर आगे वाले अंक को क्या पढ़ते, 500, यानी ये 5 लिखा हुआ है और 5 को गुणा करना है 100 से। फिर आगे लिख रखा है 35, यानी 3 को गुणा करना 10 से। और फिर लास्ट वाला अंक कौन सा है, 5। तो ऐसे कैसे उतारते हैं, एक और उदाहरण समझते इसका। 6275 6275, यानी फर्स्ट वाला अंक देगा 6 और इसको ऊपर 1000 पढ़ते तो ये 6000, यानी 6 को 1000 से गुणा करना है। उसके बाद सेकंड वाला अंक देगा 2 और 2 को गुणा करना 100 से, 200 देगा 2 × 100। फिर उसके बाद 75 देगा है, यानी 7 × 10। और उसके बाद जो लास्ट अंक देगा है वो 5। तो इस प्रकार संख्याओं को अपन विस्तारित रूप पढ़ते हैं। और आगे वाले जो अपन क्लास पढ़ेंगे उसमें प्रश्नावली के क्वेश्चन कराएंगे। आज की क्लास के लिए थैंक यू।